देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई प्रेस, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुंबई में अक्सर शेयर ऑटो रिक्शा ड्राइवरों और यात्रियों के बीच किराए को लेकर मचमच होती रहती है। एक ऐसा ही वीडियो आजकल वायरल हुआ है जिसमें बांद्रा कुल्ला कॉम्प्लेक्स के आसपास एक शेयर ऑटो ड्राइवर ने एक यात्री के साथ बदतमीजी की। ये बदतमीजी किराए को लेकर हुई है। यात्री का आरोप है कि शेयर ऑटो वाला उससे ज्यादा किराया मांग रहा था। देखिए ये वीडियो। और इसके कुछ दिनों के बाद मनसे ने इस ऑटो ड्राइवर को ढूंढ निकाला और उस यात्री के साथ बदतमीजी करने के लिए सरेआम वीडियो बनाकर उससे माफी मंगवाई, साथ ही उसे अपने ही स्टाइल में मारा भी। ऑटो शेयर रिक्शा वाले ड्राइवर ने जो कुछ भी किया वो गलत है, और इसके साथ ही मनसे के कार्यकर्ताओं द्वारा उसे मारना भी गलत है। बोल, उससे माफी मांग। जो लड़के को जोर से बोल के मेरा भाई, मैं कभी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं करूंगा आपको, अभी कभी नहीं होगा मेरे से ऐसा। आणि हे जे रिक्षा वाले जे आहेत ना इकडे, यांनी जर इथे दादागिरी केली ना तर मी रोज येईल, सकाळ संध्याकाळी यांनी ठोकत जाईल। मुंबईमध्ये जिथे जिथे माझी गरज लागेल, महाराष्ट्र सैनिक म्हणून, सन्माननीय राजसाहेबांचा महाराष्ट्र सैनिक म्हणून, त्याला मी ठोक ठोक ठोकणार आहे। जे लोक चुकीचं वागतील त्यांना मी अशाच पद्धतीने ठोकणार। पोलिसांच्या कारवाईला आम्ही नेहमीच तयार असतो। आता याला नागडं करून मारणार आहे ते मी तुम्हाला दाखवणार नाही, कारण नंतर काय होतं माहितीये का, मी ज्यावेळी फेसबुकला टाकतो ना, फेसबुकमध्ये लगेच बटन लागले जातात आणि त्याच्यामुळे लोकांना बघायला मिळत नाही। पण हा लोकांमध्ये हा विश्वास जागृत करतोय, कारण गोर गरीब जनतेच्या पाठी महाराष्ट्र सैनिक म्हणून आम्ही नेहमीच असणार आणि राहणार। याला पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊ दे किंवा याला कुठे पण जाऊ दे, पण यापुढे मुंबईमध्ये कोण। मुंबई प्रेस ऐसी किसी भी घटना का सपोर्ट नहीं करता। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे सिर्फ कानून पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की कानून को हमेशा हाथ में लेने की आदत रही है।